रंबल टंबल हिल। ठीक रविवार की सुबह दूर देश में दो बच्चे रहते थे, मैक्स और टैमी। लड़का और लड़की अपने घर के बाहर बगीचे में झूले पर खेल रहे थे। वो दोनों अपनी पसंदीदा चाची मैरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लगभग एक महीने पहले उसके साथ घूमने जाने की योजना बनाई थी और अब आखिरकार दिन आ गया था। वो अपनी मस्ती में इतने तल्लीन थे कि जब उन्होंने एक जोर की बीप सुनी तो वो चौंक गए। ये है आंटी मैरी जो उसकी आकर्षक पीली कार में थी। बच्चे उत्साह में चिल्लाए, क्या हम पिकनिक के लिए जा सकते हैं? हाँ चलो पिकनिक के लिए चलते हैं बच्चों। येपी, हमें बहुत मजा आने वाला है। बच्चे खुशी से उछल पड़े। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी ही उम्र की थी तब मैं पिकनिक के लिए रंबल टंबल हिल पर जाती थी। रंबल टंबल हिल, ये कहाँ है और वो इसे रंबल टंबल पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्या ये मैक्स के पेट की तरह गड़गड़ाहट करता है? अरे नहीं, आइए इसके बारे में जानते हैं। मैक्स और टैमी चाची मैरी की गाड़ी में बहुत ही खुशी से रंबल टंबल हिल की तरफ जाने लगे। वो जल्द ही पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गए और हरे भरे रास्ते से उन्होंने पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर दिया। हर जगह हरी भरी झाड़ियां थी। चाची मैरी अपना काम करने के लिए चली गईं। यहाँ देखो बच्चों, हमारे सामान को रखने के लिए एक आदर्श स्थान और यहाँ पर एक बेंच भी है। अच्छाई, अरे नहीं, हम पिकनिक में गुड़ियों को ले आना तो भूल ही गए। बच्चों तुम ये सब चिंता मत करो, ये है देखो। जैसा कि मैजिक द्वारा बैकपैक दिखाया गया है, उन्होंने बैकपैक को पहाड़ी की चोटी तक ले जाने के लिए पूरी कोशिश की। ओ, आंटी आप सब कुछ सोचती हैं। आंटी मैरी ने बैकपैक खोला और बच्चों को सैंडविच दिया। अरे ये हमारा पसंदीदा सैंडविच है। बस इतना ही नहीं, मेरे पास आप लोगों के लिए और भी कुछ है। दोनों बच्चों ने उत्सुकता से देखा क्योंकि आंटी मैरी ने अपने बैग से एक विशाल डार्क चोको केक निकाला। ये अब तक का सबसे बड़ा चॉकलेट केक है। आंटी मैरी बहुत खुश थी कि बच्चों को केक बहुत पसंद था। बहुत बढ़िया, अब हम सभी को एक कप गर्मा गर्म चाय चाहिए। ऐसा कहकर वो अपने बैग में माचिस ढूंढने लगी। माचिस कहाँ गई होगी? मुझे यकीन है कि मैंने इसे अपने बैग में रखा था। मैक्स और टैमी ने मददगार होने की कोशिश की। आंटी मैरी चिंता मत करो, हम जानते हैं कि आग कैसे बुझानी है, हमें बस कुछ छड़े चाहिए। बच्चे जमीन पर कुछ चिपक से गए। मैक्स ने एक दूसरे के खिलाफ लाठी बरसाई। उसने ऐसा धमाका किया कि टैमी खासा घायल हो गया और अचानक छड़े हिल गईं। टैमी, टैमी, क्या तुमने देखा? लाठी, ये हिल गई। हाँ बिल्कुल, इतनी मेहनत से उड़ाने पर तो हिलेगी ही, टैमी ने गुस्से से कहा। तब उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। टैमी, क्या तुमने गड़गड़ाहट सुनी? और ये निश्चित रूप से मेरे पेट से नहीं थी। मैक्स अब थोड़ा सा डर गया। गड़गड़ाहट की शोर और बढ़ गई और झाड़ियों से बाहर एक भयंकर दिखने वाला ड्रैगन कूद पड़ा। मैक्स और टैमी ने मैरी के हाथों को कस के पकड़ लिया। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, वास्तव में वो ड्रैगन को देखकर खुश थी। डरो मत, वो हमारा दोस्त ड्रैगन है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ड्रैगन जोर से दहाड़ा और अपनी आग से जमीन पर लाठियां जला दी। तब चाची मैरी ने जलते हुए मटके पर पानी का बर्तन रखा। उनके साथ चाय पीते वक्त ड्रैगन बहुत खुश था। मैक्स और टैमी आश्चर्य में पड़ गए। वो विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक ड्रैगन इतना दोस्ताना हो सकता है। चाय खत्म होते ही ड्रैगन ने जोर से डकार ली। फिर आंटी मैरी के हाथ में केक देखकर वो प्रसन्नता में अपनी पूंछ हिलाते हुए करीब आ गया। क्या आप केक खाना पसंद करेंगे? ड्रैगन से मैक्स ने बहादुरी से पूछा। ड्रैगन के मुंह में पानी आने लगा। अरे नहीं, तुम मेरा केक नहीं खा रहे हो। डर के मारे कांपते हुए मैक्स ने बोला। ड्रैगन ने केक एक घूंट में निगल लिया और झाड़ियों में गायब हो गया। वो फिर से कुछ चमकदार पत्थरों के साथ आया और उन्हें बच्चों को दे दिया। लगता है ड्रैगन ने आप लोगों को पसंद कर लिया है।
अपने नए दोस्त द्वारा उपहार दिए जाने की प्रशंसा करते हुए बच्चे खुशी से घर लौट आए।